शादी के 9 साल बाद क्यों पत्नी आकांक्षा से अलग हुए कानन। राधा कृष्ण फेम कानन मल्होत्रा का शादी के 9 साल बाद ही हाल ही में तलाक हो गया है। एक्टर ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की है और बताया है कि क्या थी ऐसी बड़ी वजह जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी से दूरी बना ली। वेल दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिश्ते बनाना और टूटना आम बात है। अक्सर सेलिब्रिटीज के ब्रेकअप या तलाक की खबरें जो हैं वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो वहीं अब राधा कृष्ण फेम कानन मल्होत्रा जो हैं वो भी लाइमलाइट में आ चुके हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी आकांक्षा से तलाक लिया है और लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया भी है कि आखिर इसकी क्या बड़ी वजह थी। आपको बता दें कि कानन ने 2014 में दिल्ली की इंटीरियर डिजाइनर आकांक्षा ढिंगरा से अरेंज मैरिज की थी। 5 साल से कानन और आकांक्षा अलग अलग रह रहे थे और इस साल मई में इनका तलाक हो गया था। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कानन ने अपने डिवोर्स को लेकर बातें की हैं। उन्होंने कहा, हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन हम एक ही पेज पर नहीं रह सकते थे। हमने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बजाय, जो काम नहीं कर रहा था, अलग होने और आगे बढ़ने का फैसला किया। तलाक जो है वो भी 3-4 महीने पहले ही हुआ है। 37 साल के एक्टर ने तलाक की वजह का खुलासा करते हुए कहा, मैं इस चीज से बहुत परेशान था। कोई भी इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि वो तलाक लेना चाहता है। शादी एक पर्सनल चीज है और कोई भी अलग होने के लिए ऐसा नहीं करता है। मैं बहुत परेशान था और कुछ महीनों तक डिप्रेशन में था। कानन ने ये नहीं बताया कि आखिर किस वजह से उनके और उनके पत्नी के बीच में तलाक हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उनका अतीत अब खत्म हो चुका है और साथ ही वो जिस तरह डिप्रेशन में जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला कर लिया। जब कानन से पूछा गया कि तलाक होने में इतना टाइम क्यों लगा, तो इस चीज का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, कुछ चीजें थी, एक अदालती मामला था, इसलिए ये प्रोसेस था। इसमें परिवार शामिल थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे फैसले का सम्मान भी किया। हमने इसे म्यूचुअल और पॉजिटिव नोट पर खत्म किया है, इसलिए इसमें टाइम लगा। कानन ने ये भी कहा कि अभी उनके पत्नी और उनके बीच में बातें होती हैं, वो दोनों दुश्मन नहीं हैं, लेकिन मैं इन चीजों से उबर चुका हूँ, इसलिए अब खुशी खुशी काम कर रहा हूँ। तो भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इन एक्टर के लिए, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।